अब हम पूर्ण संख्याओं के संवृत्त यानी कि क्लोजर और क्रम विनिमेय यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। अब हम पूर्ण संख्याओं के गुणा के अन्य गुणों के बारे में जानते हैं। इस बक्से का आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होगा यदि इसकी लंबाई बराबर 5 यूनिट्स, चौड़ाई बराबर 2 और ऊंचाई बराबर 3 यूनिट्स हैं। हम जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अमन ने वॉल्यूम इस तरह निकाला, अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। खुशी ने इसे दूसरी तरह से किया, 2 इंटू अंडर ब्रैकेट 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू 15 इक्वल टू 30। इसे इस तरह भी किया जा सकता है, 3 इंटू अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। इस तीन पूर्ण संख्याओं के गुणा के लिए इन्हें किसी भी संयोजन में रखा जाए, आयतन 30 क्यूबिक यूनिट्स ही आता है। तो हमने तीन पूर्ण संख्याओं 2, 3, 5 को अलग अलग संयोजन में रखकर उनका गुणा किया। तीन या उससे ज्यादा पूर्ण संख्याओं का गुणा करते समय हम किन्हीं भी दो संख्याओं को एसोसिएट यानी कि साथ में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू अंडर ब्रैकेट 3 इंटू 4 इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 24। इसे पूर्ण संख्याओं के गुणा का साचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। गुणा का साचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन से यह पता चलता है कि पूर्ण संख्याओं का गुणा करते समय समूह बदलने पर भी परिणाम नहीं बदलता है। अच्छा बताइए, यह कौन सा नंबर है? यदि हम इस नंबर से 5 को गुणा करते हैं तो परिणाम 5 ही आता है। इसी तरह यदि इस नंबर को 3 से गुणा करते हैं तो परिणाम 3 ही आता है। हमारे पास एक पूर्ण संख्या 5 है, चलिए इसे 1 से गुणा करते हैं या 1 × 3 इक्वल टू 3। परिणाम हमेशा वही नंबर रहता है, इसलिए पूर्ण संख्याओं के गुणा के लिए 1 गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। इसे 1 का गुणनात्मक गुण यानी कि मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहते हैं। साथ ही हमने देखा कि पूर्ण संख्याओं का गुणा करते समय समूह बदलने पर भी परिणाम नहीं बदलता है, गुणा का साचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।